that today. And fortunately, Meeta came to see me and take the healing. And immediately she was crossing on that road toward my office. So I told her to bring a bouquet. And during the farewell function, just give her from Divine Astro Healing Family. So happy to see Meeta. So happy to see all of them. Immediately thought came. When I found Sita, because it's not very difficult for me, I still didn't visit office when I got retired. Office nahi gaya bhi. So Varsha ke liye fortunately wo Meeta aayi and Meeta delivered the bouquet from DS. How much she feel happy. Kitna achha lagta. You keep yourself on that place. Oh my God, Divine Astro Healing Family. Yes. You everyone have one family. Not me. All my members. And all my members is blessed by divine process. Ki everyone love you each other. Unconditionally. ठीक है तो हमारी यह फैमिली भले छोटी रहे बट आत्मीयता इन सब में बनी रहे. आपका काम है अगर कोई सेशन नहीं आता क्यों नहीं आया भैया बिजी थे क्या. ओके जस्ट मैं बोलूं तो लोग गुरुजी का ऐसा नहीं आप में कुछ लोग लेना चाहिए कि भाई आप कल क्यों नहीं दिखे. इट वॉज मास्टर जया एक बार मास्टर वेरी फॉर्म चेक करती थी अरे ये नहीं है ये क्यों नहीं आई बात करना सेशन में आना. और आज शाम को हमारे डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग फैमिली मेंबर जया लक्ष्मी जी ने आज हमारे को जो हमने क्रिसमस को बोला था कि गिव द गिफ्ट टू एल्डर वन तो जो गिफ्ट आई थी मैं कहता हूं उसको कास्ट से कनेक्ट मत करो बट उन्होंने वही खाने पीने का कुछ बुरका भेजा तो मैंने और आरती ने दोनों ने कहा फर्स्ट वी कंफ्यूज हु सेंड इट ओ माय गॉड हु सेंड इट और जस्ट बिफोर 5 मिनट्स शी सेड दैट जया सेंट इट एंड व्हेन आई रिसीव दैट टाइम आई लिटिल बिट कंफ्यूज सेम टाइम आई थॉट मी ओके बाय बट व्हेन दे फ्रॉम साउथ वुमन माय गॉड इट्स जया. बोलो क्या है क्या है? मतलब क्या हुआ इन्होंने जस्ट 2 बार बटन घुमाया होगा ऑर्डर कर दिया होगा. आज उस छोटे से कृति की इतनी चर्चा हो रही है. ऐसा नहीं कि आप लोगों ने नहीं भोजन ओके आई टेक इट बिहाफ ऑफ डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग फैमिली नॉट फ्रॉम इंडिविजुअल पर्सन. इट्स बिहाफ ऑफ द एंटायर फैमिली गुरुजी एंड आई हैड रिटर्न इट्स फ्रॉम कर्नाटका स्पेशल देयर रीजनल स्पेशल. भारतीय आता है ये भारतीय आ जाती है नीता आ जाती है कभी कभी देखो चीज देने देने आपके इमोशंस में आपको देखता हूँ आपकी कृतज्ञता आपका स्नेह मेरे प्रति इज मोर देन More than okay. Any stuff. Good. Now start आतो strong blessing देना पड़ेगी और कंचन को देना पड़ेगी कंचन को दोनों साल की देना पड़ेगी. Okay. Blessing जया and pray that you get all whatever you want. कंचन जी blessings. गुरुजी कुछ अच्छा ब्लेसिंग्स तो आपने दी थैंक यू वेरी मच बट अभी मुझे 5 मिनट में थोड़ा जाना पड़ेगा बेटे के पास जा रही हूँ तो मैं फिर रिकॉर्डिंग देख लूंगी. मैं स्पेशली पढ़ी थी कि आपकी ब्लेसिंग्स ले दूं. मदर रोल इज बिगर देन एनी अदर रोल. थैंक यू गुरुजी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू फॉर ग्रैंडमदर रोल एंड जस्ट गिव द ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू. ओके थैंक यू गुरुजी. दीपिका ब्लेसिंग एंड pray that you get all whatever you want for you for your family and titir blessing beta abhi 9 varsh ka matlab samjhunga pehle bless karu aapko man se and bharti ji blessings neeru ji blessings samsung blessings rupa ji blessings pratibha ji blessing meeta ji will share what varsha feel sarojini ji blessing and rupa ji blessings it's all the blessing I am getting the messages happy new year एक दिन का मेहमान
यू जस्ट मेरा वीडियो आपने देखा होगा 2021 बाय बाय। जब तक आपने कृतज्ञता 2021 में जो 2021 में आपने खोया या पाया इसकी नहीं दी तब तक 2022 से कुछ उम्मीद मत रखो। जस्ट पे जस्ट काउंट एग्जाम बच्चे का जैसा एग्जाम का रिजल्ट वेटेड करते हैं है ना। आज हम 365 दिन का एग्जाम लेंगे आपका। तो आप बोलोगे कोई सी पांच चीज याद करोगे पांच सेशन कौन से गुरुजी ने लिए गुरु भी लेगा एग्जाम। एज ए मदर व्हाट यू डिड एज ए डॉटर व्हाट यू डिड एज ए फ्रेंड व्हाट यू डिड व्हाट जस्ट और ईश्वर ने क्या दिया। मैं तो मेरा पहले मानता हूं 2021 को प्रणाम करता हूं कि आज हम मैं सुरक्षित हूं। मेरी नौकरी छूट गई मेरा जॉब लग गया मेरे दादाजी चले गए मेरी दादी चली गई मेरे भैया दिस ऑल दिस हैपन बट इन द पेंडेमिक हम सेफ रहे। ये पहली ब्लेसिंग आप धन्यवाद 2021 को देना। 2021 कोई नहीं एक नंबर है और कुछ नहीं है अंग्रेजों द्वारा गया बाकी तो दुनिया ऐसी चलती है। हर व्यक्ति को हर समय हर रीजन का अपने अपना अलग अलग वो नववर्ष मनाने का तरीका। कोई गुड़ी पड़वा से मनाता है कोई दुर्गा संक्रांति से मनाता है। ये गैंग्रियन कैलेंडर इकट्ठा है जो कलेक्ट है जो ये मैसेज आपको देता है कि नया वर्ष कभी गुरुवार को कभी शुक्रवार को हर दिन सुधर बदलता रहता तो ये जब जीवन कभी एक सा नहीं रहता। तो ट्राई टू लर्न फर्स्ट पे द ग्रेटिट्यूड टू द 2021 अच्छा हो उसमें 2021 का कोई रोल नहीं है और खराब भी हुआ उसमें 2021 का कोई रोल नहीं है। इट इज ओनली 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 योर कर्मास। जो भी आपकी लाइफ चल रही वो है एक प्रोसेस बना लेते हैं भाई। त्योहार बनाने के अंग्रेजों के पास कोई उपाय नहीं हमारे पास तो शिवरात्रि ले लो ना फलाना ले लो ना करवा चौथ ले लो हमारे तैयार। उन लोगों के पास त्योहार नहीं थे बोले चलो न्यू ईयर मना लो वैलेंटाइन डे मना लो। हम हिंदुत्व लेके चलने वाले हैं आई रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन। तो आज का दिन हम साथियों के साथ चलते हैं जैसे हमने थोड़ा चेंज किया 20 गुड़ी पड़वा वैलेंटाइन डे को आज हमारा न्यू ईयर है। तो आज हम तो ये एग्जाम का हमारा रिजल्ट है 31 दिसंबर को आता है जो बच्चों का हम एग्जाम का रिजल्ट मांगते हैं। एवरी बच्चे से पूछते ना ऐसी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का आज आपका एग्जाम है कि व्हाट यू डिड एज ए मदर फादर सिस्टर फ्रेंड एंड एज ए डॉटर जो भी रोल है आपके एज ए प्रोफेशनल। टुडे आई वॉज टॉकिंग विद समवन एंड देन मैं कुछ बोला उसको कि देखिए आप गुरु को भाई गुरु से मदर फादर बंधु सखा आप मुझे गुरुजी बोलते ना हाँ या ना बोलते ना सब। तो गुरु मतलब क्या शास्त्र कहते हैं कि गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा ठीक है। गुरु माता है गुरु पिता है गुरु भाई है गुरु सखा है। अब एक बात मुझे बताओ ये चारों रोल एक व्यक्तित्व को में देखना How you can justify? How guru के गुरु plays a role of mother? देखिए आपका मदर तो गुरु से भी बड़ा है। जब भगवान से बड़ा माँ का स्थान है तो गुरु का स्थान गुरु के स्थान से बड़ा माँ का स्थान है। तो देखिए आपके चार विकार गुरु दूर करता है। Remember? थोड़ा ध्यान से सुनना इसको। पहला विकार होता है आपका जो मतलब पहला आप में होता है जो जिस चीज को बढ़ावा देता है वो होता है प्रेम लव। सेकंड चीज होता है फियर। फियर को दूर करता प्यार को बढ़ाने वाला बातें किए अगर फियर बढ़ जाएगा तो मां लव बढ़ जाएगा और कोई हिम्मत बढ़ाने वाला। तो अगर आपके जीवन को याद करो तो आप में प्रेम की जोत जलाने वाला आपकी मां है ना। आपको
भय को दूर करने वाला पिता, कोई भी हिम्मत रहती है आपको, पिताजी आ दो, जब मम्मी बोलती पापा आ जाए फिर जाएंगे उसको डांटने, तो आपको भय दूर करने वाला पापा। इसीलिए हमारा हाथ जब छाती में जाता है बाप रे बाप, जब हमें डर लगता है इसे नॉर्थ साइन जब करते हैं बाप रे बाप, हाथ पिता के नाम लेके क्या जाता है। और जब कोई तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, वो माँ यस नो, ऑटोमेटिकली इट वर्क। तो माँ का रोल जीवन में आपको प्यार बढ़ाने के लिए आता, वो माँ भाई एलिमेंट बॉडी, लेकिन गुरु क्या करता है इसको थोड़ा आप गहरे से जाना। तीसरी चीज गुरु बंधु आपको हिम्मत देता, आपको बल देता, तू चल आगे चल मैं तेरे साथ हूं, जिस प्रकार आपका भाई देता था आपको, झगड़ा होता था कोई डांट लेता था चल भैया चल तो चल, उसको हिम्मत देता था, तो आपका भाई आपका थर्ड हाउस आपका करेज बढ़ाता था। यस, इसीलिए थर्ड रूम आपका आपके यंगर सिबलिंग्स का होता है। ओके, नाउ गुरु माता पिता, करेज बढ़ाया, लव दिया, फियर मिटाया पिता ने। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो माता से भी बात नहीं कर सकते, पिता से भी बात नहीं कर सकते, भाई से भी बात नहीं कर सकते, तो उसके लिए कौन होता है? Who can guide me? उसके लिए कौन होता है? कौन होता है उसके लिए? Who can say? कुछ बातें ऐसी होती हैं friends। तो यहां पर गुरु फ्रेंड के रूप में भी आपके साथ है। तो इसीलिए कहा गया, आज मैं बता दू, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा। तो जीवन में कभी तकलीफ है, कुछ ऐसी पर्सनल बात हो, कुछ डिसीजन लेने में सक्षम हो, मम्मी से मारू चिल्लाएगी, ऐसे बॉयफ्रेंड रखती है गर्लफ्रेंड रखती, पिता को बोलूंगा पिता डांटेगा, भाई बोलो भाई डांटेगा, क्या किससे बात करो, तो अपन दोस्त को फोन लगाते हैं यार क्या करूंगा, वो दोस्त प्रॉपरली गाइड करेगा। तो गुरु प्ले द रोल ऑफ फ्रेंड ऑल्सो, आपके मन की पीड़ा जो होती ना उसको दूर करता है मित्र के रूप में बन के। और मेरे को बड़ा फक्र है कि आज जितने लोग हैं इस सबके जीवन में मैं कहीं माँ का रोल प्ले कर रहा हूँ, कहीं पिता का रोल प्ले कर रहा हूँ, कहीं भाई का रोल प्ले कर रहा हूँ, और कहीं दोस्त का रोल प्ले कर रहा हूँ। आर यू एग्रीड विथ मी? दैट्स व्हाई टुडे आई जस्टिफाइड दैट व्हाई वी से गुरु माता पिता। गुरु माता भी देखेगा पिता। तो आज मैं एक बात कर रहा था, वो फिर मैंने बात करने के बाद, क्योंकि क्या होता कहीं ना कहीं गुरु से आप वो चीज शेयर नहीं कर सकते जो एक माता पिता से स्थान मानते हो, बट आज के कलयुग में आपको गुरु भी ऐसा चाहिए जो आपसे आपकी व्यक्तिगत बात शेयर कर ले और उसको एक सही दिशा दे दे। मानते ना इस बात को? तो एज अ वी आर टेकिंग डिवाइन एस्ट्रोलिंग फैमिली, जब एज अ टेकिंग गुरु एलिमेंट एज अ मदर फादर बंधु इंसान, वो आप करते हैं। आदमी को ये चार चीजों की जरूरत पड़ती है, बाकी पांचवी की नहीं पड़ती, प्रोफेशनल वगैरह तो खुद कर लेता है। तो मैं आपके साथ हूं कभी भी किसी भी रोल में, और मुझे लगेगा कि कौन से रोल की इसको जरूरत है, मैं वो रोल कन्वर्ट करके आपके जीवन करूंगा। आप लोग प्रमाण हो मेरे सामने, जितने लोग कहीं तो डांट के बात करते हैं मुझसे, कहीं फोन नहीं उठा रहे यार झगड़ा कर लेते हैं, ये ठीक नहीं हुआ तो बताती हूं मैं इंदौर आके बताऊंगी आपको, ये इससे बड़ा संबंध नहीं, वो लोग भी मेरे साथ में, गुरु जी इसको कुछ नहीं होना चाहिए, देख लेना कुछ होगा, मतलब वो जो फीलिंग्स है उसको मैं भगवान मान के प्रणाम करता हूं। अरे गुरु जी मुझे मेरा नाराज हो गया, मैं क्यों करूंगा तेरे को, मैं नहीं करना, नहीं, आप किसके निमित्त बन के किसका क्या कर रहे हो, किसका कौन सा कर्म काट रहा, आपको क्या मालूम? अगर आपने कर्ता भाव लिया, अरे मैं इतने बजे फोन करो, इतने बजे फोन नहीं करना, इसे मेरा भी कर। ओके, तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एंजॉय विथ योर ऑल माय डिवाइन एस्ट्रो मेंबर्स। आप में से कुछ लोग अलग भी है जो सेशन में नहीं आते, वो लोग भी फोन लगाते। तो ये क्या, आप जो फाइव एलिमेंट बॉडी को आप जस्टिफाई कर रहे हो, वह गुरु के रूप में आज की तारीख में मेरा मानना ऐसा है, इट्स माय ओपिनियन, मे पॉसिबल आप लोगों को वो गुरु पसंद आता हो कि फोटो देखकर प्रणाम करके आप करें, वो भी आपकी भक्ति है, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। कोई गुरु केवल दूर से बैठा हुआ दिख रहा, देखकर गुरु को देख लिया वही बहुत है, गुरु की तो आंख पड़ गई वही बहुत है, मानता उसको भी। लेकिन आज की समय जरूरत है
ऐसे गुरु की जो हर वक्त आपके साथ खड़ा हो। कई बार होते बड़े बड़े लोग दूर बैठते हो, बाकी बात ही नहीं कर सकते आप, लेकिन काम करती है आपका फेथ, आपका डिवोशन और आपकी भक्ति। बस ये भी एलिमेंट भी छोड़ दो। जिस प्रकार जिस में मेरे नाई है ना, नाई मैं नाई, वो मुझे धो देता, मैंने गुरु जी नमस्कार, अरे और मैं कहता हूं शर्माते डरते, मैं बेटा एक बात बता, मेरे बाल कैसे बनाना, दाढ़ी पे कलर करना कि नहीं करना, तू मुझे गाइड करता ना? बोले हाँ। तो मैंने कहा मेरे बालों का तो गुरु तू हुआ ना, रियली मेरे आंखों में आ तू, उसके आंखों में रोने लग गया, गले लग गया। बोले ऐसा होता है कि, मैंने कहा ऐसा होता है, हमको डिवाइन एस्टो के मेंबर्स को हमको ऐसे लेके चलना है गुरु एलिमेंट। बासु कभी कभी मेरे बच्चे बना के देता है, बासु गुरु आईटी का, मतलब ये दायरा बढ़ाओ, ये दायरा। जब एक पत्थर को गुरु मान के, एक मूर्ति को गुरु मान के आपका काम होता तो वो व्यक्ति को मानो तो जिंदगी भर उस भाव से वो काम करेगा कि उसको लगेगा मेरे पे जिम्मेदारी है, तो गुरु की जिम्मेदारी उस पर। व्हेनेवर यू गिव जिम्मेदारी आप दोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। पत्थरों में क्या जिम्मेदारी देके आते ना, भगवान जी मैं अगले महीने मंदिर नहीं आऊंगी अगर मेरा काम नहीं हुआ तो, कहीं ना कहीं हो जाता है। तो आज हमें ये आने वाला वर्ष, आज आखिरी है 2021 का, 2022 का शुरू होगा, ये सब एक आंकड़े हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमिटमेंट करने का टाइम आता है। जैसे आपका बर्थडे का कमिटमेंट आप करते हैं, उसी प्रकार एक नौ वर्ष का कमिटमेंट भी आता है जिसका भी आज हम लेंगे। और आपको भी अगर एक बात बताइए, कई बार हम अपने हेल्प छोटों से लेना और बड़ों से लेना उचित ही समझते हैं। इतना बड़ा आदमी क्या सोचेगा मैं इतनी बात बोल रहा हूं उसको, है ना, होता है ना। और एक छोटा आदमी उससे भी नहीं सके क्या यार, यार ये भी सोचेगा कि क्या है, ये चीज हटाओ। दूसरा क्या सोचेगा, मतलब आपको लगता है ये सुपात्र है, बात कर लो यार। प्रतिभा बेटा एक बात बता मुझको, तुम्हारे अमेरिका में जो कंप्यूटर में काम करते इसका गुरु जी काम करो, तो ये जो वॉइस निकलेगी ना जिम्मेदारी, वो वॉइस डिवाइन की रहेगी, आवाज जो निकलेगी। भैया आप उस फील्ड के गुरु हो, आप गुरु को हमने बना दिया, शास्त्रों में बना दिया कि बस गुरु एक भगवान तत्व है, गुरु गुरु ब्रह्म दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके, गुरु का काम है मेरा आध्यात्मिक काम है तो मैं आध्यात्मिक गुरु, जयक आईटी का काम है जय आईटी के गुरु है, और सरोजनी का और काम उस फील्ड के गुरु है। तो गुरु के दायरे बढ़ाओ, जितने बढ़ाओगे उतना अच्छा लगेगा। ये अंधविश्वास हटो कि गुरु के बेटा है वही सब कुछ करेगा। मैं ये चीज मेरे मन में क्यों लगी, हो सकता है चौथी बार बोल रहा हूँ, मैं इंश्योरेंस करता था एक बार, तो इंश्योरेंस में एक आदमी आया, विशाली आपको बड़ा अच्छा लगता है देख के मिलके बनाना नहीं था, मैंने पॉलिसी समझा दी उसको, बोला मैं जाऊंगा गुरु जी से आशीर्वाद दूंगा, गुरु जी बोले मैं तो कराऊंगा। एकदम पागल हो गया, वो गुरु बेचारा साधना कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, वो तेरे बीमा समझेगा, उन्हीं में उनसे बगैर कुछ नहीं। मैं नहीं, मैं तेरी बात से सहमत नहीं हूं, हर काम गुरु पर दे दोगे तो क्या मतलब है, तुम्हें बुद्धि दी भगवान ने। हाँ अभी मैं बोलूं कि गुरु जी क्या प्रियम इसकी डबल भरना भरेगा, सिर्फ डायरेक्ट क्या बोले, अगर गुरु जी बोले नहीं बेटा ये प्रियम आ रही है 1,00,000 रुपए तुम 3,00,000 भरो, भरोगे? नहीं नहीं वो तो 1,00,000 ही प्रीमियम क्या। कुछ खेल बुद्धि के होते हैं, समथिंग इंटेलेक्ट, एंड इंटेलेक्ट एंड लव से एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। गुरु का काम आना है, कब लेना है, कब सजेशन लेना है, हम लेंगे। विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। मैं भी एक आप जैसा इंसान हूं, 5 तत्व का मेरा शरीर भी है, मेरे में भी क्रोध आता है, मेरे में भी सब कुछ आता है, बस मुझे इंसान बने रहने दो, भगवान बनाने की जरूरत नहीं करता। कहीं लोग फोटो लगवा लेते हैं, वो लगा लो डीपी लगा लो, वो गुरु जी आएंगे तो फलाना ढंका, वो एक गुरु जी को तो गिरफ्तार कर लिया आज, हाउ मेनी नो इट। वन कालीचरण गुरु वॉज गिविंग द लेक्चर टू द साउथ बगे दे रहा था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ही कमेंटेड समथिंग फॉर महात्मा चंद गांधी, टुमारो यू रीड मे बी पॉसिबल टुडे एवरी न्यूज पेपर इज पब्लिश्ड बिग न्यूज। वो कालीचरण को
अच्छा काम करता था कोई नहीं जानता था, उसने बस एक बुरा काम कर दिया गांधी जी के बारे में, उसका मत था उसने दे दिया। वो दूसरे जो आरएसएस वाले थे उनने बोला तो गांधी जी का अपमान किया, गांधी जी का अपमान करो, पुलिस में पहुंच गए, एफआईआर करा दे, 50 जन है वो जाके बेचारे को गिरफ्तार कर ला। एक आपकी गलत स्टेप आपकी 100 छाइयों को मार देती है। वो जितना प्रचारित पहले नहीं था, वो एक जरा सा गांधी जी का अपमान कर दिया, वो प्रचारित हो गया, एवरीबॉडी नो हु इज कालीचरण, कालीचरण को गूगल करने लगे, वो बेचारे ने कितने हवन करे, कितने पूजा पाठ करा, सब खत्म। अच्छाई को अच्छाई की दृष्टि से देखो, बुराई की बुराई को देखो। हो सकता है नीरू में, हो सकता है मीता में, हो सकता है भारती में कुछ अच्छाई हो कुछ बुराई हो, मैं कौन होता हूं जज करने वाला? नहीं ये तो अच्छी नहीं है, Who are you to judge someone else's life? वो बुरा करके, for example, जया मेरा बुरा करके मेरे कर्मा रिपे कर रही है, वो बेट कर्मा खुद ले रही है, वो सजा मुझे दे रही है। आप जानते हैं हर व्यक्ति ईश्वर के हाथ में अधीन है, या मानते हैं आप करें, कहते हैं पत्ता भी हवा में प्रभु की उस ऊर्जा के बगैर नहीं हिलता। जया भी मेरा कुछ गलत करेगी तो कहीं ना कहीं उस ऑर्डर ईश्वर का ऑर्डर रहेगा उसमें, बस। तो आपको तो मैं कहता हूं प्रणाम उसको करो जो आपका बुरा करे। देखिए आपका बुरा किसी, आपने मुझको चीट कर दिया, ठीक है, मेरे को क्या मतलब, मैंने किसी को चीट कर दिया तो कहीं ना कहीं आपके किस्मत में चीटिंग तो लिखी थी। एक तो आपका अवेयरनेस विवेक खोया आपने, अंधविश्वास को अंधविश्वास बदल गया, ठीक है, हम करता उसको बना देते हैं, ये तो गुरुजी ने करा सब कुछ करा। आपकी किस्मत में इस तारीख को इतनी बजे आपका नुकसान होना लिखा था, उसका माध्यम गुरुजी बन गए या जया बन गई या दीपिका बन गई या भारती बन गई, क्लियर, ओके। तो जीवन में जो भी अच्छा घटे वो बुरा घटे, उन दोनों को एक निगाहों से देखो, दो निगाहों का एक ध्यान करते हो तो आज्ञा चक्र पे ध्यान जाता है, दोनों आईस का एक एंगल बनाते हो तो आज्ञा चक्र पे जा जाता हो, आज्ञा चक्र होता है अवेयरनेस का स्थान, क्लियर, ओके, गॉट इट, समझ में आया कि नहीं? गुरुजी बोल रहे थे तुम बोल दी। अब अपन आते हैं अपनी एग्जाम पर। अपनी एग्जाम प्रकृति की एक बाहरी दुनिया की अलग है, एक अंदर की दुनिया की आपकी अलग है। आउटर वर्ल्ड मौसम खराब हो गया, ये खराब हो गया, ये परेशानी, ये कोरोना फैल गया, ये फैल गया, ये फैल गया, गया अचानक लोग चले गए। एक दृष्टा भाव से आपके कर्ता भाव को देखो कि इस साल में मैंने एक माँ के रूप में क्या करा, एक प्रोफेशनल के रूप में क्या करा। अभी नहीं, आपको रात को सोते वक्त चेक करना है। एक जो अच्छा किया वो भी समर्पित ईश्वर को, और जो बुरा किया वो समर्पित ही किया। जब हम अच्छा काम कहते हैं अरे सब प्रभु ने किया, तो बुरा काम भी प्रभु ने किया, फिर बुरा काम उस व्यक्ति पे क्यों डालते हो आप? अपने आप से बात करो, बुद्धि से बात करो। अच्छा काम अरे वो तो भगवान की कृपा थी, बुरा काम अरे वो भी भगवान के, बोलो ऐसा, हाँ भगवान की थी वो इच्छा। अगर आप ये बोलते हो कि मेरे कारण हुआ, इसका मतलब भगवान की इच्छा नहीं थी, इसका मतलब बगैर इच्छा के भगवान की इच्छा के भी कुछ होता है। होता है जब इंसान विवेकहीन होता है, कुछ पल के लिए विवेकहीन, उसको सजा भुगतनी है तो कुछ पलों के लिए वो विवेकहीन होता है कि उसको सजा भुगतनी पड़े। बट हम चाहें तो जिस प्रकार पेड़ टूटना है, पेड़ कटना है, उसको हम फ्रैक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह तो 100% मैंने खुद में देखा, मेरे स्वयं की प्रेजेंस में देखा, मैंने क्या नहीं देखा, और मैं अपना निजी एक अनुभव सुना रहा हूँ आपको। वेन आई मतलब मेरे ऑपरेशन हुआ, मेरे एक हाथ पर चले गया, क्या करूं, इस हाथ से लिखता था, पढ़े इस हाथ से, करी इस हाथ से, इस हाथ से मैं याद दिलाऊं, मैंने वो बेडशीट थी अस्पताल की, एक लीड आई, और आज ये मुझे याद है, मैंने GOD गॉड लिखा, कोई भगवान का नाम, GOD गॉड, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। उस वक्त ना मेरे मन में किसी भगवान की मूर्त थी, ये भी किसी ने करा है,
तो उससे मैंने निष्कर्ष निकाला पढ़ने के बाद कि मैंने क्यों लिखा मिश्रा जी उस वक्त, तो फिर मैंने कि आज भी याद है वो स्मृति में, इसलिए लिखा कि वो साथ में है तो चिंता मत कर, दो तीन साल निकले भगवान ने तंदुरुस्त कर दिया, सब कुछ काम कर रहा हूं, सब ड्यूटीज प्ले कर रहा हूं, बढ़िया कर रहा हूं, आप निराश हो जाओ, निराश नहीं होना कभी भी, नो डेंट गिव अप, मेरा क्या होगा अब मैं तो हुई, एक आप इन्हें डोर के रूप में कभी मत लो अपनी लाइफ को, एक पीड़ित के रूप में कभी मत लो लाइफ को, और मैं क्या बताऊं मेरी जीवन सुनोगे आप तो रोने लग जाओगे गुरु जी, मेरे फोन आते ऐसे, आपको क्या मालूम मैं कितनी परेशान हूं, मैंने कहा बेटा एक बात सुन ले चेंज करेंगे, जितनी तू परेशान है उससे 10 गुना मैं परेशान हूं, लिटरली ऐसा बोलता हूं, तो नहीं गुरु जी, मैं तू क्या समझी गुरु जी भगवान क्या गुरु जी को तकलीफ नहीं, तू 10 गुना परेशान है ना, तेरे से 10 गुना ज्यादा मैं परेशान हूं बेटा, बता कैसे, बोले मैं क्या तेरे को क्या दिक्कत है, बोले गुरु जी मेरे बच्चे ठीक नहीं हो रही, मैंने कहा और बाकी, मैंने कहा बेटा मेरे शरीर में भी दिक्कत है, मेरे को दिक्कत है, फिर मैं उसको थोड़ा बना के बताया था, कितनी बड़ी बड़ी आप बताइए, मैंने जो न्यू ईयर की रेमेडी दी है उसमें कहा है कि आप जो जीवन जी रहे हो उस जीवन को जीने के न जाने कितने करोड़ों लोग मंदिर में घंटी बजा रहे हैं कि हमको दीपिका बना दे, हमको जया बना दे, हमको संदीप बना दे, हमको रूपा बना दे, हमको दाशी बना दे, प्राउड ऑन योर सेल्फ, प्राउड ऑन योर लक, प्राउड ऑन द प्लैनेट, नेवर कंप्लेन, जब से जीवन में कंप्लेन करना बंद कर दोगे, फियर का बोन बंद कर दोगे, ऑटोमेटिकली आप ईश्वर बन जाओगे, और आप हो, इसलिए हम कहते हैं वो ईश्वर और आपकी बुद्धि के बीच में जो एक मिरर के बीच में जो धूल लगी हुई है उसको साफ करो, सब लोग एक समान है, कोई हितांशी हो या कल्पना हो मधु, सब एक है, बट कुछ अज्ञान के दल में अलग अलग कर्म आए, सबके अलग अलग चेहरे, इसीलिए अलग अलग जीवन यात्रा है, बस आइए हम गुड बाय तो 2021 को करेंगे, जाने के पहले धन्यवाद दें, हमारे घर में कोई आता है तो उसका स्वागत हमने ऐसा करा था, है ना, आइए 2021 वेलकम, 2021 वेलकम, 2021 बेचारा जा रहा कुछ पूछ भी नहीं रहा उसको, एक बुलाया 2022 वेलकम वेलकम, अभी बोलने भाई, तो मैं पहले आपको कहूंगा कि आज रात को सोने के पहले ऐसे मैं थोड़ा आपको ध्यान में भी कराऊंगा, मेरा मन मेडिटेशन कराने में आपका ले जाना मुझे नहीं मालूम, रात को सोने के पहले एक तो अपने आप को हग करना, जितना प्यार कर सकते हो अपने आप को, जैसे आपका हम जो भी आपके जीवन में जुड़ा है जिसको आप खूब प्यार करते हो, उसको हग करना चाहते हो, जो आपका सबसे प्यारा इंसान है, उसी प्रकार अपने आप को मानना, अपना चेहरा याद कर, हग योरसेल्फ दैट यू आर सेफ इन द 2021, कितनी आपसे कम आयु के बंदे चले गए, सब प्रॉपर्टी पैसा सब कुछ रही है, सब नाम पाम फेम बेम सब, दो एक दिन ये फलाने लाल जी चले गए, ये चले गए, भूल जाते हैं, अभी जीवित हो, अपने को प्यार करना, एंड 2021 जनवरी से लेकर दिसंबर तक उठाना, अच्छा हुआ उसको भी सलाम करना, जो बुरा हुआ उसको भी सलाम करना, ये मेरी थी और ये मेरी कर्म कहानी जो मेरी जीवन यात्रा है उसका एक वर्ष मैंने पूर्ण किया सफलतापूर्वक, मैं 8 दिन अस्पताल में भर्ती था, 6 दिन यहाँ था, मेरे को ये हो गया था, अरे गुरु जी 8 दिन भर्ती हुए था, क्या तो कम था, हो गया ना वो, दैट होप पर जो हो जाए उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, ना आप मैं ना भगवान, क्लियर, तो आप प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आज रात को सोते वक्त, मैं अमेरिका के लोग अलग अलग टाइम सोएंगे, आंखें बंद करके उन लोगों को याद करना जो आपके जीवन में कुछ अच्छा कर गए, नए लोग मिले पुराने लोग मिले, और जो खराब करके गए वो भी ऊपर वाले की रजामंदी से गए, 2021 से आपने क्या पाया क्या खोया, जो पाया उसको सीधे कंधे पर रखना और जो खोया उसको राइट लेफ्ट में रखना, फिर देखो जो पाया वो कंधा भारी होगा, अरे गुरुजी मेरी तनख्वाह बंद हो गई, ये मैं इतनी आती थी, मैं परेशान थी, बेटा एक बात बता, आप ही निकल जाते यहां से तो काय की तनख्वाह ने काम की, ये मई आप लड़के रीजन तो कर सकते हो, अभी 3 महीने में रीजन कर लिया लोगों ने, अभी वापस से कविता, लेकिन वो स्थिति नहीं होगी जो स्थिति इस बार बनेगी, उतनी स्थिति ड्यूटोरियट स्थिति नहीं होगी, अपने आप पर विश्वास रखें, अपने आप पर
और किसी और पर भी विश्वास रखें, अंधविश्वास नहीं रखें। ये आप 2021-22 का सबक ले लें। आज की तारीख में देखिए 2021 में ऐसे ऐसे लोग चले गए जो अपने आप को भगवान मानते थे और जिनको लोग भगवान मानते थे, गए ना, बीमारी से गए ना, क्यों भूल जाते हो? आपको बस एक हेल्पिंग हैंड मिलते जा रहे हैं। कोई स्पिरिचुअल फील्ड में हेल्प करता है, कोई आपकी पर्सनल लाइफ में हेल्प करता है, कोई प्रोफेशनल फील्ड में हेल्प करता है, और कोई अलग लाइफ में हेल्प करता है। बस कोई डॉक्टर हेल्प करता है, वो भी गुरु आपका लाइफ में, मेरी मदद करेगी। क्लियर? नाउ एक एक मिनट में अभी सबको दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क मीता, वर्षा ज्वाइन करेगा? मीता, मीता बोर हो रही लगता, तभी तो चली गई वीडियो के पास से। मीता कहीं नहीं गई, मैं यही हूँ। आप दर्शन कराए आपके? नहीं नहीं गई मैं। आज के अनुभव का हम वेट कर रहे हैं, आपका अनुभव कैसा रहा आज का? वाज वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस गुरुजी। मैं गई, वर्षा जी से मिली, एंड शी वाज वेरी सरप्राइज्ड कि मैं आई हूँ करके। पहले तो वो मुझे पहचान भी नहीं पाई, देन मैंने अपना स्कार्फ रिमूव किया, सब रिमूव किया, बोला अरे मीता तुम हो। मैंने कहा ये मैं आई हूँ DH परिवार की तरफ से विश करने। शी वॉज वेरी हैप्पी एंड बहुत इमोशनल भी हो गई थी वो, और उनके सारे स्टाफ कलीग्स पूरे उनके लिए गाना गा रहे थे, एंड उनकी बेटी भी आई हुई थी। तो शी वॉज वन साइड शी वॉज इमोशनल, वन साइड शी वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज उनका एंगेजमेंट भी हुआ। तो मतलब ओवरऑल इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस। भारती बेटा तेरे को नहीं बोला तू भी चले जाती, लेकिन ऐसे एंड टाइम पे आई है मीता, मतलब हार्डली 10-15 मिनट का डिफरेंस था। तो वो डिफरेंस को कारण में नहीं, तो भारती बेटा भारती एक आवाज में आने वाली, काम छोड़ के आने वाली। आई एम प्राउड ऑफ मान भारती, एक आवाज में कोई काम बना नहीं करता। लेकिन मैंने जान करके नहीं बोला, मैं वहां आएगी जाएंगे और वो टाइम निकल जाए इसलिए। ठीक है, अब आते हैं हम हमारी, आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि एक एक मिनट में या 30-30 सेकंड में जितना है ना, आपको इसको कोई मैं वो भी नहीं बोल रहा जिसकी इच्छा हो। एक साल तो मैं भी आपसे जुड़ा रहा इस कोर्स के माध्यम से, इस परिवार के साथ जुड़े रहे आप, है कि नहीं? तो व्हाट यू, इसे होने वाली बात तो नहीं, मैं इसे तारीफ कराने वाली बात होगी, रहने दो, बोलता नहीं। नहीं तो ऐसा लगेगा लो मैं जबरन तारीफ करवा रहा हूँ आपसे। तो आपका जो मन के भाव हो आप लिखता एक साल में, है ना, बट वॉट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन इन द ग्रुप। हाउ वॉज यूर 2021 विथ यूर फैमिली, विथ यूर प्रोफेशनल फैमिली एंड यूर स्पिरिचुअल फैमिली? ओके, तीन फैमिली हो गई अपनी, पर्सनल फैमिली हो गई, स्पिरिचुअल फैमिली हो गई, एंड फैमिली सोशल की भी ले लो आप, एक सोशल फैमिली हो गई आपकी बाहर के दोस्त वगैरह, एक प्रोफेशनल फैमिली, और मैं थोड़ा अलग कर लेता हूँ एक डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग फैमिली। मेरा पूरा मानना है कहीं ना कहीं, मेरे को मेरे पर विश्वास नहीं है, ये तो आप लोगों की प्रेजेंस पे विश्वास है। आप लोगों की प्रेजेंस से कहीं ना कहीं शक्ति ऐसी याद बनती है कि हम लोग आपको कहीं ना कहीं डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के मेंबर्स में एडिट किया होगा, पूरा एडिट करता हूँ या सेशन आके आपसे कराऊंगा। ओके, आई एम वेरी हैप्पी टू गेट दीप्ति गेट हिज फर्स्ट 2 डेज शिज कमिंग, वेरी गुड। अब तीसरी चीज, कुछ उपाय, उपाय भी आपको भी अभी ही देता हूं मैं, क्योंकि फिर ध्यान में ऐसा होगा क्यों नहीं। अब आप है ना ग्रुप में लिखना अगर चाहो तो, कि अब ये टेस्टिमोनी भी लिखते हैं कि हाउ वाज योर ईयर 2021 एज अ डिवाइन एस्ट्रोलॉजी मेंबर, है ना। अभी बोलोगे अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं आपको कुछ उपाय दे रहा हूं, मैंने 5 उपाय ऑलरेडी दिए 2021 के, आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये मेरा दावा है, 70% लोग बता नहीं सकते कि मैंने क्या 5 दिए। व्हाट 5 रेमेडीज आई हैड, हु कैन से डायरेक्टली इस तभी हाल फिलहाल में देखिए, मुझे 2021 का 31 दिसंबर को आकर 1 जनवरी को मैंने 5 रेमेडीज दी, क्या क्या थी कौन बताएगा? जया नहीं बताएगी, दीपिका नहीं बताएगी, दीपिका जस्ट जिसका कॉल्ड में आज बता दी उसने चीजें पूछी उसने रेमेडीज की मुझे, ये कैसे करना है करना है। तो जया को मालूम होगा 100%, दीपक को, बाकी कौन बोलेगा? भारती भी आ सकती है। Anybody can say me which 5 remedy I had given and I float the video also। प्रणाम गुरुजी। बोल बेटा।
पहले तो सुबह जब हम उठते हैं तो पहले धरती को प्रणाम करें, दूसरा अपने चेहरे को मिरर में अपने देखें और अपने आप को मतलब प्यार करें, तीसरा जब आप घर से बाहर जाते हैं तो जो अपने घर की चौखट है उसको हम लोग प्रणाम करके जाएं और आते समय और रात को सोते समय अपना याद करें कि आपने क्या किया दिन भर में और कैसे। और चौथा एक और वो करती हूँ जो आपने बताया था, यहाँ पे रख के अपना पूरा करके और वो करना। और आप मिस करिए दो रिमेडी, कौन बताएगा? प्रतिभा, मधु, एक आध कोई बताएगा? अभी वीडियो भी डाला मैंने। एक और है कि अपन जब किसी अस्पताल के सामने से निकलते हैं तो वहां पे हमें अपना वो करना है। और ये मैं पूरा करती हूँ। वेरी गुड। और आगे पार्ट पीछे सपाट। मैंने दो दिन पहले जान करके डाली थी कि अभी भी देखो लोग समझ के बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, लेकिन मेरे को मालूम है आई नेवर गिव एनी टाइप ऑफ गिल्ट टू यू। कभी अपने आप को गिल्ट मत रखना। मुझे मालूम है आप अपने व्यावसायिक जीवन पारिवारिक जीवन से व्यस्त रहते हो कि कैसे आप 8:30 से 9:30 आ पाते हो, यही बहुत बड़ी बात है। एक चीज और है, किसी से भी हमने कुछ है ग्रेटिट्यूड पे करना। वेरी गुड, तो करने वेरी गुड, कृतज्ञता देना। अब मैं बताता हूँ दो रिमेडी कौन से याद है। जय कौन याद है आपको? मैंने रिसेंटली वो वीडियो नहीं देखा गुरुजी। आई थिंक जहां तक भारती जी ने कहा इट समराइजेस माय अंडरस्टैंडिंग आल्सो, बट लास्ट ईयर आपने कुछ क्लाउज आई मीन द फिजिकल थिंग रखने के लिए कहा था और आपने कहा कि एक साल बाद अगले साल आप बताएंगे, तो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहे बट मेरे पास वो क्लाउज है, क्या करना है पता नहीं उसको। आपने कहा अगले साल बोलेंगे। कैन यू ऐड द टू रेमेडीज व्हिच भारती ने छोड़ा बताएंगे? एक तो बेड पे खाना नहीं खाना और फोन यूज व्हाइल ईटिंग फूड। नो, क्या क्या आपने बोले क्या बेटा? फोन गुरुजी मैंने बोला फोन यूज व्हाइल ईटिंग फूड, खाना खाते हुए फोन या कोई चीज। चलो यही तो वो समरी बता दिया इसने जी। भोजन करना हमारे एक हवन है, आज से सब लोग याद रख लो, कितने भी बिजी हो इतने भी। पहली चीज आपको बताया कि जब भी व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग धरती माँ को हाथ स्पर्श करके, जब फ्रेश होके अपना काम करके अपने आप को प्रणाम करो। जब तक आप नहीं पूछने लायक हो, आप अगर अपने आप को पूज्य नहीं मानते, आपके बच्चे आपको पूज्य नहीं मानते, आपसे प्रेम करने वाले आपको पूज्य नहीं मानते हैं, अहम नहीं लाना, यस रिस्पेक्ट। क्यों? आप वो सोल लेवल से दोगे, उस सोल लेवल से आप किसको धन्यवाद दे रहे हो? इस पंच तत्व के शरीर को जो आपकी कर्म यात्रा में सहयोगी दे रहा है। इस कानों से अच्छी बात भी सुन रहा है, खराब बात भी सुन रहा है, इन आंखों से अच्छे कार्य भी देख रहा है, दुख रहे हैं जो आपके कर्म है। बस हाथ प्रणाम करो इस पंच तत्व शरीर को, अरे आपका जीवन देखो कैसा होगा। ये फॉलो करना 1 जनवरी 2022 से, मैं बोलता हूँ आज से करो, आ तो नहीं रात को जो उठने वाले हो कल। हाथ 1 जनवरी का सबसे पहला अपना ब्रश करा, जो भी करा करके आप ना चेहरे ऐसे चेहरे को, नहीं तो बाल बाल बिखरे हैं, आंसू बाल सो रहे हो, नमस्कार वो नहीं करना है ना, क्योंकि पता उठते से ही पहुंच गए। जैसे भगवान को मैं नीला दुला के तैयार करते ना, आप भी नीला दुला के तैयार होते, भगवान को ऐसे कर लेते सुबह के दर्शन नहीं, भगवान को नहलाते धुलाते पूजा करते, ये भी एक शरीर भगवान है, अपना तैयार होके अच्छे सुबह जब रेडी होता हूँ जब भी शाम हाथ जोड़ के प्रणाम करके अपने सजे सवरे दो, ईश्वर मेरा साथ देना, अपने आप को बोलो। हम कहते हैं तुझमें नारायण, मुझ में नारायण, आप में है, ठीक है। उसके बाद अपना काम चालू करो, उसके बाद व्हेनेवर यू फील व्हेन यू गो ऑन द बेड, सामान्यतः सवेरे बेड टी तो नाम दे दिया अंग्रेजों ने, तो टी तो बेड पे ही होती है, गुरु जी कौन सी चीज लिया है करके देखो, वो पीड़ा दे आलस में, चलो ठंड में अलाउ कर दूं हमें कि अब रजाई छोड़ के चाय पीना सबसे पहला प्रायोरिटी, हम डिपेंडेंट हो गए, लेकिन कोशिश कर सकते हो
वह बाहर उठकर जहां पर उसका स्थान बना रखा है आपने, उस स्थान पे आप वॉशरूम भी आपका अलग स्थान है, बेडरूम बिस्तर एक शयन का स्थान है, खाने पीने का स्थान अलग है जिसको हम डाइनिंग टेबल बोलते हैं, गो हेड एंड टेक द ड्रिंक, क्या है? और मम्मा आज नहीं बेटा, मैंने मेरा संकल्प लिया कि फ्रॉम टूडे आई विल टेक, जो जिस जगह के लिए बनी उसी जगह में जाकर काम करूंगा, वॉशरूम है नहाना वॉशरूम में फ्रेश होता हूँ नहाता हूँ, आप ब्रश बिस्तर बैठ के को नहीं करते हो? यस, हाउ मेनी डिड, बिस्तर बैठ के ब्रश कितने करते हैं? फिर आप बिस्तर बैठ के चाय क्यों पीते हो? ओके, सो स्ट्रांगली रिमेंबर, मैं फॉलो करता हूं, वो कल से थोड़ा कल से और करने लगूंगा, हो सकता है मैं थोड़ा कभी कभी चाय बिस्तर पी लेता हूँ, मैं गलती मानता हूँ अपने, कल से बिस्तर पे चाय नहीं, कल से मैंने आरती को इंस्ट्रक्शन दे दिए हम वहीं पे चाय पियेंगे डाइनिंग टेबल पे, नंबर वन। नंबर टू, तो व्हेनेवर यू गेट एनीथिंग नॉट फूड, लंच या ब्रेकफास्ट, बिना उस वक्त कुछ पास नहीं होना, ना अपने विचार होना, ना जल्दी होना, बस खाना खाना तो खाना। अगर ये खाना करना तो इसका मतलब आप रोज एक हवन कर रहे हो, रोज एक नहीं चार हवन कर रहे हो। गीता के अध्याय में मैंने आपको बताया था, जब आप खाना खाते हैं ये आपके शरीर में जल रही जठार अग्नि, अग्नि के अंदर ये भोजन की आहुति डाल रहे हो, तो जितना हवन में भाव से जुड़ते रहते हो उसी भाव से खाना खाओ, उचित स्थान पर खाओ और चब आके खाओ। कैसा देखता हूं, हाँ आ रही हूं, अरे रुक जाए पांच मिनट, तू खाता कोची यह करा, यहाँ आ गया है, या कीड़े मकोड़े भी आ जाए तो खा जाए आदमी, पता नहीं लगे। अगर ये मैं चैलेंज करता हूं, ये अगर आप जो ब्रेकफास्ट वो है ना, वो अगर उपमा खा रहे हो पोहे बदल देता हूं तो भी पता नहीं उसको क्या खाया मैंने, अगर एक चम्मच पोहे का एक चम्मच उपमा का पता नहीं, क्योंकि ध्यान नहीं ना, वी आर नॉट अवेयर। ये मेरी भी गलती, ऐसा नहीं कि मैं कोई आप साहूकार बन के बोल रहा हूं, मेरे से भी हो जाता है, मैं भी आप जैसा कल से प्रण ले लूंगा, आप भी बन ले, टेक द कमिटमेंट फ्रॉम योर सेल्फ ऑन, आई विल व्हेनेवर आई टेक द फूड आई वोंट टेक ए फनी फोन। मेरी आदत मेरे बच्चे ने सुनी, पापा आप बोले टेलीफोन पे हील नहीं करना, हीलिंग मीलिंग अच्छी बन गया बेटा, परेशान बोल दो 15 मिनट बात करेगा, तो मैंने आप बोलना ये फोन उठा के भी नहीं बोलना कि मैं खाना खा के बात करता हूँ, इसका मतलब आप एंगेज हो, तो आई नेवर पिक अप द फोन। ठीक है, फोन हो जाएगा, जो आदमी ऐसा थोड़ी दुनिया लूट जाएगी आपने 15 मिनट फोन नहीं उठाया तो, और दुनिया अच्छी तरह चलेगी, क्लियर? तो खाना खाते वक्त तो आपका हाथ, आपका हवन, आपका यज्ञ उस हिसाब से करो, खाना पूरा चबा के रखो, विचार आए तो आने दो, जाने दो, बात नहीं करना। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, तो खाना खाना मतलब अन्न किस प्रकार खाते हो इसमें वो भी आता है, हाउ यू ईट इट्स कम इन द थिएटर। और एक चीज और ऐड करी, व्हेनेवर यू गो आउट, नॉर्मली एनी टेम्पल यू जस्ट इफ यू आर अनेबल टू गो यू डू द शिखर दर्शन, अगर आप नहीं जा पा रहे तो आप नमस्कार कर लेते, उस मृत जो चार्ज आपकी ऊर्जा से, आप लोगों की ऊर्जा से जो स्थान चार्ज हुआ है, वह ऊर्जा एक जगह और लग रही है जिसको हम अस्पताल कहते हैं, ना जाने बड़े बड़े अस्पताल लिखे देते बाहर, उसको भी एक मन रूपी प्रणाम करो, क्या लो भगवान ने आपकी ऊर्जा को उस किसी की प्रार्थना भर के लिए बना के भेजा है। मेरी कोई भी चीज के अंदर आप सहमत नहीं तो मुझे बताओ गुरुजी ये क्यों करूं, मैं वो बताऊंगा रिप्लाई, और भगवान को ही मालूम है कि इनने मेरे बंदों के लिए प्रार्थना की, क्लियर? और घर से निकले, मेरा घर मेरे परिवार के सदस्य, तो घर को प्रोटेक्शन में किसी दाढ़ी वाले के पास जाके को गुलाब गुलाब का वो नारियल का लाल नींबू और मिर्ची लेके नहीं आऊंगा, मेरे खुद के पावर से मैं उसको प्रोटेक्ट करके जाऊंगा, हे ईश्वर सुरक्षित रख घर को, मजा ले कुछ झगड़ा भी हो जाए घर में, और आते वक्त वो प्रोटेक्शन को वापस प्रणाम करके। मैंने वह उपाय आपको दिए हैं जो उपाय एक प्रायोगिक जीवन में लगते हैं विद लॉजिक,
अब मुझे बता दो कोई भी एक उपाय मैंने ऐसा दिया हो जिसके अंदर आपको समझ में नहीं आ रहा। एग्रीड, एवरीबॉडी एग्रीड? अरे भाई नए साल के ऊपर तो पर्दा खोल लो अपना है? मधु प्रणाम गुरुजी, मैं ये सब फॉलो करती हूँ पूरे, जो कभी भी चाय बेड पे नहीं पीती, खाना भी नहीं खाती और बात भी नहीं करती, तो वो मेरे ध्यान से उतर गए बात, बाकी आई एम फॉलोइंग ऑल द थिंग्स। सर्वश्रेष्ठ डिवाइन एस्ट्रोलॉजर पुरस्कार 2021 अवार्ड जाता है भारती मंडोई को। गिव अ ब्लेसिंग जी गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मैं चाय तो नहीं पीती हूँ, लेकिन मैं हर सुबह अपने बेड पे बैठकर हॉट लेमन पी लेती हूँ, उसके बिना मैं बाहर नहीं निकलती। आप अपने शरीर के द्वारा जो पानी की बंदिश है उससे बाहर निकलो, कल लेमन टी जो भी पीते हो बाहर आके बेड पे पियो। ये मेरी गलती, साथ में योगा भी कर लेती हूँ, ये मेरी बहुत बुरी आदत है। पूजा भी तो कर लो, मुझे भी देखो पूजा भी कर लो, खाना भी कर लो, तो बिस्तर भी काम हो जाएगा सब। योगा योगा यू आर डूइंग मींस वर्शिप ऑफ योर फाइव एलिमेंट बॉडी। योगा इज अ वन प्रोसेस फ्रॉम वेयर यू कैन रीच टू द डिवाइन बाय योर ब्रेथ। योगा बिस्तर में नहीं करना, योगा मेन तरफ होता, पूजा कमरा होता, वहां पर ऊर्जा को चार्ज करना। अरे अंतर तो देखो यार, रूट जब चक्र आपका करप्टेड है और बाकी आप दूसरे चक्रों को एक्टिवेट करने की सोच रहे हो, कैसे पॉसिबल है? जी गुरुजी, कल से नए वर्ष से सुन लो, जो पढ़ने में बैठे हैं बंद करके, जो कल से कोई व्यक्ति, सभी लोग सुबह उठकर अपने दर्शन करेंगे फ्रेश होकर, ठीक है, और तैयार होकर अपने बढ़िया फर्स्ट क्लास, है ना। अब गुरुजी मैं तो 1 बजे नहाती हूँ, तो 1 बजे दर्शन करना, मैं तो नाइट लाइन आपको जब लगे, लेकिन प्रणाम सबसे करना। नहीं गुरुजी, मैं प्रणाम कर लेती हूँ अपने मंत्र के साथ, है ना, कराग्रे कर फिर जमीन को, अर्थ को, सबको, पंच तत्व को, फिर मैं फ्रेश होकर आकर अपने बेडशीट चेंज कर कर्मूले कर्षम गोविंदा दर्शन, ये सब तो चलने दो। मैं आपको अपने आप को वो यू करके, आप हथेलियों को देखकर करते हैं, है ना, हाँ जी, ऊपर जी, वो तो उसके बाद भी आपको मिरर में जाके देखना है। अच्छा ठीक है गुरुजी, हाँ जी, वो मिरर वाला नहीं देखती हूँ, बट उसके बाद मैं बेडशीट चेंज करके उसके ऊपर मैं एक मेरा वो है उलन का, उसको रखकर मैं बेड पे ही बैठकर प्राणायाम और गर्म पानी पी लेती। अगर तेरा स्थान इतना नहीं है कि कहीं और कर सकती है तो ठीक है, आसन बदल के तू तो बेड पे कर ले, क्योंकि कई लोगों घर छोटे होते हैं, एक कमरा उसका, तो उसके अंदर क्या करे, तो उसमें करना पड़ेगा, तो ओके ना। इफ यू हैव द लिमिटेशन ऑफ द प्लेस देन चेंज इट, वो बेडशीट लगा के ब्लैंकेट बिछा कर जो आपका आसन है वो लगा कर आप उसको जाएं। हाँ जी, वो मैं बिस्तर को बंद कर ब्लैंकेट लगा कर ऊपर से मैं एक कंबल लगाती हूँ उलन का, फिर उस वहां ऊपर बैठ कर फिर मैं विंडो में अपना ग्लास रखती हूँ। काम करना ये सोचना, जो भी तेरा इष्ट का सबसे अच्छा मंदिर है कि तू वहां बैठी। मेरा वहां बैठने का एक और रीजन है, क्योंकि मैंने अपने वॉल में जो शिव जी के और माता की फोटो रखी अर्धनारीश्वर स्वरूप की, वहां बैठती हूँ तो वो त्राटक के लिए बहुत बहुत ही स्ट्रेट पड़ता है और बहुत मुझे ऊर्जा फील होती है, इसीलिए मैं वहां बैठती हूँ। रियलिटी में वो है रीजन, वो है महसूस करना ऐसा कि आप कहीं मंदिर में बैठे हो, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो भी आपका होगा ना जीवन में आती है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली बेड इज कनेक्टेड विद राहु। अच्छा ठीक है, राहु नेवर अलाउ यू। मैं ट्राई करूंगी जगह चेंज करने का, क्योंकि मैंने ट्राई किया था जमीन पे बैठकर, सोफा में, कुर्सी में बैठकर, बट जो जिस पिक्चर के साथ मैं करती हूँ वो कनेक्टिविटी जो था ना वो बेड से मुझे ज्यादा क्लोज लगता है। अपनी साधना के साथ कोई कंडीशन नहीं लगाना बेटा, ठीक है गुरुजी, ठीक है, आई विल ट्राई टू चेंज इट, थैंक यू जी गुरुजी। ओके नाउ रिमेंबर एवरीबॉडी, कल्पना बेटा ठीक है, समझ गुरु जी, वीनस इज आल्सो कनेक्टेड विद बेड, वीनस एंड राहु, यस कल्पना, ओके डन जी गुरु जी। इसमें गुरु जी इसमें से कुछ उपाय मैंने अभी पूरे 2021 में पूरे तो नहीं कर पाई, लेकिन आधे तो मैं करती ही हूँ। जैसे कि आपने कहा था कि जो हॉस्पिटल को जब भी मैं निकलती हूँ किसी भी हॉस्पिटल से, मुझे तुरंत आपकी याद आ जाती है और मैं वहाँ उनको प्रणाम निवेदन करती हूँ अपना, और मिरर में देख के जो आपने कहा था कि तैयार होने के बाद मैं अपने आप को हग करके और
अपने आप को ब्लेस्ड मान के अपने आप को प्रणाम करो, तो वो चीज मैं जरूर करती हूँ। कुछ चीजें हैं, सुबह उठ के धरती को प्रणाम करना, बस ये तीन चीजें मैं जरूर करती हूँ गुरुजी। वेरी गुड, थैंक यू गुरुजी। थैंक यू। बाकी हुई है, खाना खाते वक्त कोई मोबाइल का यूज नहीं, बच्चे को डांट भी रहे हो, खाना भी खा रहे हो, क्रोध भी कर रहे हो, वो खाना, अरे तो समझाना मत कर। अब मैं कई लोग देखे बेटा ऐसा, मैं नकल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप जैसा बन के बात कर रहा हूँ, तो नहीं करना, डांटने का मौका तब वो छोटा, बाद में डांट लो, खाना खाना भी काम करना है, ठीक है। नंबर टू रेमेडीज तो आपको बता दी, बाकी सब लोग मेरा पूरा विश्वास है, मधु ने तो बोल दिया, नेहा तो ठीक है, सरोजी जी भी करेंगे, वासु जी भी करेंगे, वासु जी तो हमारे साथ में रहता है, नीरू ओके, हां जी गुरु जी, गुरु जी मैं भी करती हूँ, संदीप प्रतिभा बाकी सब लोग सुन लिया। अब मैं एक नई चीज लेकर आता हूँ, कल और काम करना, अगर घर में कोई एक्सपायर मेडिसिन आपके पड़ी हुई है अभी तक नहीं फेंकी तो वो ही फेंक देना। जिस प्रकार दिवाली पर नया काम करते हैं, मैंने बहुत सिखाया आप लोगों को कि क्या क्या घर में रखना, पुराने जूते चप्पल हो, पुराने फुटवेयर हो जो आप पहनते भी नहीं चाहते वो फेंकते, लेकिन कई ऐसी चीज है जो आपके बच्चों की, जैसे किसने बताया था मुझको, बोले मेरे बच्चों के मैंने बचपन से लेके हर कपड़ा और हर कपड़ा संभाल के रखा है। अच्छा दीपिका जी आपने बताया, तो मैं इज ओके, यू आर कनेक्टेड, योर इमोशंस आर देयर, इज ओके, स्टेटमेंट की तरह देखिए, वो भाव वो जिंदा है। आपने ये सोच रखा ना कि एक साल में पहना था, ये दो साल में पहना था, ये चार साल में पहना था, वो जिंदा है। अगर ये कपड़ा किसका है, माधव का है या नहीं, किसका मतलब नहीं, यू रिमेंबर इट, फ्रेम इट, एप्रिशिएट, वो रख लो आप, ओके, एग्रीड, बस रिमेडीज क्लियर। और एक बात बताओ, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है आपके साथ कि कृष्णा गुरु जी भी नहीं मिलता है, मन लगता कर, आराम से बैठो एक जगह, अपनी आंखें बंद करो, अपने इष्ट का चेहरा याद करो, साथ में अपना चेहरा भी याद करो, है ना, अपना चेहरा भी याद करो, जो भी परेशानी तकलीफ है उसको याद करो। मैं आपको राइटिंग में देता हूं, यू विल गेट सम आंसर, इवन व्हेन यू आर कनेक्टेड विथ मी, आप मुझसे फोन करके शेयरिंग कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, ओके, मना नहीं कर रहा हूं मैं कि मेरे को मत करो, लेकिन वह ज्यादा वर्क करेगा जब आप अपने आप से कनेक्ट करोगे। ये हो सकता है, चलो आप मेरे को हीलिंग ले तो दो, मैं कोई, आप ये मत सोचना कि मैं अपनी जिम्मेदारी दूर हो रहा हूं, करूंगा, उसके बाद फिर आप अपनी आंखें बंद करके अपने आप को याद करके प्रोसेस भी करो। ना किसी हम सफर, ना किसी हम नशी से निकलेगा, अपने पांव का कांटा खुद ही से निकलेगा, ठीक है। तो आपके देवता भी आप हो, आपके राक्षस भी याद हो, जब वृत्ति जागरण हो, अपने विवेक से उसको मानना अपना पहला काम है। तो ये मेरा नए वर्ष का संदेश है आप लोगों के लिए कि नौ वर्ष में जो मैंने रिमेडीज दी वो फॉलो करें। 11-12 बजने के, देखो आप बताओ विविधता, 12 बजे पता लगा जाया बैठी सुबह, हम 12 बजे आए, मेरे को शाम को ही फोन मैसेज आने लग गए न्यू ईयर के, मैंने ये किसका न्यू ईयर बनने लग गया, तो पता लगा न्यूजीलैंड में न्यू ईयर बनने लगा, वो गुरु जी ब्लेसिंग न्यू ईयर, मैं क्या हो गया इनको यार, अभी कौन सा ना, फिर दिमाग लगा यार न्यूजीलैंड से फोन आता, ये सबसे पहले न्यूजीलैंड में होता है, फिर पर्थ वगैरह चालू, वो तो दो ढाई घंटे का चलता है, लेकिन शाम को 4 आ गया तो थोड़ा मैं भी भूल गया था, फिर ओके, तो ये तो प्रोसेस चलती रहती है, एक एग्जाम अपनी रहती है, रात को सोते वक्त एक बार आंखें बंद करके बैठो कि आपने किस्तों के साथ जस्टिस किया, जो रोल है इनके साथ क्या जस्टिस किया, क्या आपके शब्दों से किसी को पीड़ा पहुंची, इसका चिंतन करना ही अपनी बड़ी बहुत बड़ी बात है, ओके। आइए हम मिलकर ध्यान करते हैं एक ऐसा जिसको हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड टू 2021, कृतज्ञता 2021 को दोगे तभी 2022 सलाम करेगा आपको, ओके, एग्रीड। और एक संकल्प लेना और बात, रूपा आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, रूपा टॉकिंग ऑन फोन, प्रोफेशनल है दीपिका, सॉरी रूपा आर यू एबल टू अंडरस्टैंड,
चलो ये बिजी ऑन फोन, लेकिन मैं कुछ भी मैं मेरी उस पे पाबंदी नहीं, समझिए कोई पाबंदी नहीं, कोई नहीं आपको जो करना, लेकिन ये आपका एक समय में एक काम करो, दो काम नहीं करो, है ना। अब दोनों हाथ ऐसे दोनों ऊपर, सेंटर में नीचे, सेंटर में नीचे, नीचे सेंटर में नीचे, पोस्चर पोजिशन होल्ड करो, स्ट्रेट द हैंड, शिखरासन, बिकम अवेयर ऑफ द नेवल एरिया, दूर तक कपाल भाती प्राणायाम, आपकी उम्र तक कपाल भाती प्राणायाम करेंगे, राइट नोस्ट्रल कवर, लेफ्ट हैंड, थिंक अबाउट योर मदर फेस, कवर लेफ्ट नोस्ट्रल, राइट नोस्ट्रल, राइट लंग, बोथ हैंड, रिलैक्स, बिकम अवेयर ऑफ योर थर्ड आईज, अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान ले आए, बिकम अवेयर ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स, नोस्ट्रल्स, टेक योर ओन टाइम,
sense organs, nose, eyes, ear and mouth. पर कुछ कुछ समय बिताएं and feel whatever you are feeling. अपना ध्यान अपनी आंखों पर रखें, बंद आंखों पर, मन की आंखों से बंद आंखें पर अपना ध्यान करें. जो भी विचार आ रहे हैं आंखों पर ध्यान आने दें. All attention on your eyes. बुरा देखा, अच्छा देखा, पीड़ा में देखा, खुशी में देखा, वॉट एवर सीन इन द ईयर 2021, बैड, गुड, इन अ हैप्पी मूड आर इन अ सैड मूड. इन आंखों से किसी के आंखों में आंसू देखे, किसी की आंखों में आंसू, किसी के होठों पे खुशियां. Now what you want to see? अब आप आने वाले समय में इन आंखों से क्या देखना चाहते हो? सोचें, कल्पना करें, महसूस करें. Think, imagine and feel what you want in the coming year to see with the open eyes. इसे कौन से दृश्य जिनको देख खुशी का एहसास हो, यू वॉन्ट टू सी फ्रॉम योर आइज. Become aware of closed eyes and exhale the breath 11 times. Inhaling nostrils are nostrils, exhaling nostrils are your eyes. Nostrils se shwaas bharte hue, aankhon ko madhyam banate hue khali kare. Exhaling nostrils are your eyes. 11 baar shwaas chest se bharte hue, 11 times. Release by the both eyes.
स्टार्ट become aware of your mouth, अपने मुख के प्रति सजग हो जाए. जिसमें आपका देवता, जिसमें आपका राक्षस बसता है, आपका मुख अपनी जबान पर ध्यान ले जाए. become aware of your tongue. And recall those moments is spent in the 2021. Is anybody hurt by your words? कितने लोगों को खुशी मिली आपके शब्दों से? Think like this. आपके शब्दों से किसी को पीड़ा पहुंची हो? Unintentionally or intentionally. Exhale the 11 time breath from nostril to mouth. Mukh se shwas, exhaling nostrils or mouth. Inhale from nostrils 11 baar. Mukh se shwas chhode, naak se bharte hue. Start. Become aware of your ears. इन्हीं कानों से कुछ अच्छा सुना, कुछ बुरा भी सुना, कहीं आप हर्ट हुए, शब्दों में उलझ श्रवण कर, कहीं प्रवचन सुने, कहीं पाठ सुना, इन 2021 सबसे अच्छा बुरा आपने क्या सुना, जज्बी दीजिए. विचारों को आने दें. होल अटेंशन ऑन योर ईयर्स.
your exhaling nostrils or your ear, लंबी गहरी गहरा श्वास भरें और कानों की तरफ ध्यान रखते हुए श्वास छोड़ें. 11 breath. Become aware of your own face. अपने स्वयं के चेहरे पर ध्यान ले आए. भूल सभी से होती आई, कौन है जिसने ना ठोकर खाई. भूल सभी से होती आई, कौन है जिसने ना ठोकर खाई. भूलों से सीखे जो मंजिल उसने पाई हो. भूलों से सीखे जो मंजिल उसने पाई हो. समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में हम भी मिलते हैं. ओ पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं. के मधुबन फिर भी खिलते हैं. ओ समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो. रात कटेगी होंगे उजाले, फिर मत गिरना ओ गिरने वाले. रात कटेगी होंगे उजाले, फिर मत गिरना ओ गिरने वाले. भूले से सीखे जो मंजिल उसने पाई हो. समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो. Become aware of your breath. Take a long deep breath.
along with the smile, take your own time. Whenever you feel complete, you can open your eyes. जब भी पूर्णता का भाव आए, आहिस्ता आहिस्ता अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। Open your eye, drink the water. Drink the water. आज अब थोड़ा ज्यादा वीडियो ओपन करें तो प्लीज अपना who can open their video, please open. If you are in a position to open the video, you just open video. देखिए आज मैंने जो भी आपको कराया लास्ट बात सुनना आज की. सेकंड रूम होता हमारा सेंस ऑर्गन का. शून्य अवस्था होती हमारी जब शरीर स्थिर विचार स्थिर श्वास स्थिर मन स्थिर वो शून्य अवस्था होती है हमारी. और वन उसका होता है आपके सेल्फ का. तो 2021 सेकंड रूम सेंस ऑर्गन शून्य अवस्था देन टू देन सेंस ऑर्गन फर्स्ट योर सेल्फ अवेयरनेस. नाउ हियर अगेन वन टू मोर. जिस प्रकार शास्त्र में कहा जाता है कि अपने सेंस ऑर्गन्स पे कंट्रोल करना बड़ी बात है ना. तो मैंने इस ध्यान में आपको प्रयास करवाया कि कानों से जो आपने सुना है और एक बात और शेयर करूंगा. तो मैंने रूम के हिसाब से आज मैंने प्रयास कराया कि आज 2021 को प्रणाम भी करें और 2022 को स्वागत भी करें. ठीक है. अभी एक चीज और मैंने नोट करी जो आपसे शेयर करूंगा. जब मैंने आपसे कहा कि इनहेलिंग नोस्ट्रल्स एंड एक्सहेलिंग नोस्ट्रल्स आर ईयर्स, बहुत ज्ञान की बात है. और जब आप कान से श्वास छोड़ रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपको मुख स्माइल आ रही होगी. हाँ है ना. तो माय डियर फ्रेंड, अगर जिंदगी में मुस्कुराना हो और अगर मुस्कुराते रहना हो तो जो सुना है उसको बाहर निकालो. जो अंदर आना है अंदर आ जाएगा. फालतू का कचरा फालतू की बातें बाहर निकालोगे तो अपने आप मुस्कान आएगी. जैसे मैं नाभि से लेके कान से सांस छोड़ो, देखिए आप आ रही स्माइल. तो दिस बिगेस्ट फर्स्ट टाइम आई एम ऑफरिंग दिस की फ्रॉम द सेंस ऑर्गन. मुस्कान जब कान से सांस छोड़ो, जो सुना किसी ने गुस्सा बोल दिया बुरा बोल दिया ये हो गया, हम बिल्कुल तैयार हो जाते लड़ने के लिए. मेरे बारे में सब क्या बोला, क्या बोला, फलाना डिमता ऐसा वैसा. देख ओके देखा शरीर सब. ये तो मेरे ख्याल से अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया होगा इस प्रकार से. जो हम तो पहले हम भी करवा रहे थे तो ये ऊपर वाला दे रहा है मुझको जब मैं खुद अनुभव करके आपसे शेयर कर रहा हूं. मानते ना आपने जब ये कचरा बाहर का बाहर फेंक दोगे ना, अच्छी बात तो नहीं फेंकना,
अच्छी बातें तो आपके सीधे दिल में उतरती, जो दिमाग से शब्दों से पढ़े थे वो इसने ऐसा बोला, मेरे को ऐसा बोला, ऐसा बोला, अरे 12 बजे देख तो सही कर, वो फोन करके था धूम धाम धूम। सबसे पहला धर्म आपको खुश रहना है, 9 वर्ष की सबसे पहले आपको खुश रहना है, मजा लो उन आंसुओं को जो आपकी परिस्थिति देखकर आंखों में आ जाए। कोई परिस्थिति में, कोई व्यक्ति और परिस्थिति व्यक्ति में समय में नहीं बहना, मुझे बहना है हमारी मुस्कान के साथ, कानों से बाहर जान दो। ओके, 9 वर्ष मंगलमय हो, आरोग्यमय हो, मुस्कानमय हो और प्रगतिमय हो, उन्नतिमय हो, ज्ञानमय हो और यशमय हो। मैंने ब्लेसिंग आपको इतनी सारी दी है, अपना ध्यान रखें और मैंने जो आपको बताया उसको जरूर फॉलो करें। मिलेंगे कल, गुरुजी तो को बात करना था, गुरुजी कल बात करेंगे। हाँ, आप जो बोले उसी हिसाब से ही, वो जो आप बोले ना 2022, आप बोले सेकंड हाउस बोले, तो इस ईयर शुक्र और चंद्रमा का साल है, तो मून माइंड है और अभी क्या बोले टू लेट ना, हम कल देखते हैं। ठीक है गुरुजी, वन क्वेश्चन, आर वी हैविंग सेशन, आपने कहा कि सम स्पेशल सेशन एट द न्यू ईयर टाइम, आर वी हैविंग 10 बजे, तो कोई नोबडी वांट टू कम, आज इससे सेशन बड़ा हो गया। खुश रहें, 9 वर्ष मंगल कामना है आपको भी, नमस्कार।